हम ग्लेशियर में ग्लेशियर में मरे, हम लोग को आंख पीली हो गई। हम एक सर्विस के नाम से ये आप परछाव रख रहा हूँ, क्यों कि हम तो मरते रहे। एक मुलायम सिंह थे डिफेंस मंत्री जी, वो घड़ी कीड़ा मकोड़ा लाश को खाती थी जी जी, बाकी डिफेंस मंत्री मुलायम सिंह थे कि आज सबका घर पर लाश भिजवाए जी। मैं इस वक्त जी 72 न्यूज के लिए खांगा में चाहिए, जनपद गाजीपुर की दिलदार नगर क्षेत्र, और वो क्षेत्र जहाँ से पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में आया हूँ, यहाँ युवा है नजर आएंगे, इनसे जानना चाहूँगा कि क्या इनके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या जो 450 रुपये का गैस सिलेंडर था उस सिलेंडर के क्या दाम है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या स्वास्थ्य हुआ, कितना सड़क बनी, ये तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास करूँगा। देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक बड़े बुजुर्ग साहब मौजूद हैं, आपका सुनना पड़ेगा। मैं राजनारायण सिंह यादव, राजनारायण सिंह यादव, तो मैसेज मेरा ये है जी, ये नया दिन तो दिखा रहे थे जी, एक दीनदयाल उपाध्याय से ट्रेन जाती जी, उसका सवेरे टिकट लग रहा है और कुछ जी, आज 12 बजे के बाद में और कुछ लग रहा है। हाँ, ये किसके खाता में जा रहा है। उसके बाद में मैं दो नौकरी से पेंशन है, आर्मी से, स्टेट बैंक से जी। जब आर्मी का जब पेंशन का खाता में लगाने के बाद 5,000 रुपया तो वो बढ़ा दिए, अब बैंक जो हमारा एरियर बना वो काट करके बोलने के कोरोना में दे दिया। हम ग्लेशियर में ग्लेशियर में मरे, हम लोग को आंख पीली हो गई। हम एक सर्विस के नाम से ये आप परछाव रख रहा हूँ, क्यों कि हम तो मरते रहे। एक मुलायम सिंह थे डिफेंस मंत्री जी, वो घड़ी कीड़ा मकोड़ा लाश को खाती थी जी जी, बाकी डिफेंस मंत्री मुलायम सिंह थे कि आज सबका घर पर लाश भिजवाए जी। उसके बाद में मेरा ये सबसे गुजार है जी, कि जो काम करता है गरीब के हित के लिए मरता है उसको वोट दिया जाए। अच्छा, कोई कहता है ये जब जात प्रथा की कोई बात नहीं है, अब राजभर एक टिकट दे दिए हैं, आप कहते हैं कि मुख्तियार चोर है, गद्दार है, और बैक साइड से पीछे से देखिए तो जनरल कर्नल तक उकरा घर में है, और उसको चोर या बाकायदे ये कहा जा रहा है, ये गलत है। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार बने? नहीं, सरकार सापा पार्टी का बने, मैं सापा पार्टी को वोट दूंगा। धन्यवाद। मैं श्याम बाबू चौरसिया, अच्छा, दिलदार नगर का रहने वाला है जी, एक सामान्य व्यापारी हूँ जी, और मैं विकास के नाम पे वोट दूंगा क्योंकि पिछले सरकार ने बहुत विकास किया है, और विकास हमने ये देखा है कि शहरों का नाम बदलने से वो विकास समझ रही है। अगर शहरों का नाम बदलने से विकास होता तो मैं दिलदार नगर का नाम बदल के स्वर्ण नगर रख देता, यहाँ से सोने की बरसात होती है। लेकिन विकास का नाम वही है कि शहरों का नाम बदल दो विकास हो जाएगा। किसी ने तो बच्चा गोद लिया, किसी ने गाँव को गोद लिया, और जाके पता करिए उस गाँव का कितना विकास हुआ। इस वजह से जनता एकदम मूड बना चुकी है, इस बार अखिलेश जी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत आएगी, क्योंकि जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि इन लोगों का बातें, इन लोगों का विकास सिर्फ कागज पे होता है, न कि जमीनी स्तर पे। जो जमीन का नेता है वो अखिलेश जी है, जो वादे करते हैं वो पूर्ण रूप से निभाते हैं। और रही बात हमारी विधानसभा की, तो हमारे विधानसभा में आज तक जितना हमारे नेताजी श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी ने वादा किया है उसको पूरा किया है। आपके समक्ष एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। इलेक्शन से पहले उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं रोड न दूंगा तो मुझे वोट मत देना, साक्षात आपके पीछे ये रोड बनी है। आज तक के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि एक रात में मात्र 24 घंटे के अंदर 500 मीटर की दूरी का रोड एक 24 घंटे के अंदर रातों रात बन के तैयार हुआ। दिन में आदमी सोया, रात में सोया, सुबह उठ के देखा तो चकचकाता हुआ रोड पाया। इसको विकास कहते हैं। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, इस वजह से हम अपने नेता के साथ जी जान से लगे हुए हैं, और सपा की सरकार बनाने के लिए अपने माननीय ओम प्रकाश सिंह जी को पूर्ण मोमो से विजयी बनाएंगे, और हम लोग का टारगेट है कि इस बार सपा।
हारून कहाँ करने वाले आप? मिर्चा के क्या आप लोग बन बना रहे जात धर्म में वोट देंगे कि देखिए पाँच साल की सरकार को बीत गया जी, हमें अपने आदमियों को समझाना है हाँ। जितने अहिर गणेर लोहार कुहार जोलहार अंग्रेज कोरिया फकीर हाँ। जितने हैं हाँ। ये अपने आदमियों को समझाना है अच्छा, जो सबसे ज्यादा पीड़ित यही लोग हैं अच्छा, इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित यही लोग हुए हैं, छोटी जाति है, मुसलमान पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है? मुसलमान तो पीड़ित है, मुसलमान को तो ये लोग दिखाते हैं हाँ। कि रहीर गणेर लोहार कुहार बीन भर बला का वोट हमारे पाले में आए अच्छा। अब की दफा ये कार्ड का नहीं चलेगा अच्छा, अब की दफा 15 और 85 का लड़ाई हो गया अच्छा हाँ, अब की परिवर्तन की तो मुसलमान किसको वोट देना सकते हैं? मुसलमान को छोड़िए ना, मैं सब में 10% 5% इधर उधर जाएंगे अच्छा, मुसलमान को छोड़िए, लेकिन अखिलेश का हवा है, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे हाँ, तो आप भी चाहते हैं इनका अखिलेश यादव हाँ, अखिलेश ही आएंगे जयसवाल नगर बाजार व्यापारी हूँ अच्छा, व्यापारी लोग खुश हैं कि नहीं है? एकदम खुश नहीं है, खुश नहीं है, किसको देना चाहते हैं? परिवर्तन अखिलेश जी, और यहाँ हम प्रकाश सिंह मंत्री हैं, उनको वही देना चाहते हैं, महंगाई और हर तरह से लोग परेशान हैं, व्यापारी और मरे हुए हैं अच्छा, व्यापारी को तो कहीं से कुछ मिलना ही नहीं है। चुनाव जो होगा वो जात धर्म जो है विकास पर होगा, चुनाव विकास पर होगा, आपकी ओम प्रकाश स्वयं मंत्री बनी है हाँ, विकास किए हैं, फिर आएंगे फिर विकास होगा, 5 साल विकास हुआ ही नहीं। भैया क्या आप दिखाते हैं? आप लोग युवा हैं हाँ, इस समय बेरोजगारी है हाँ, और महंगाई है, इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, अखिलेश सरकार बने और माननीय ओम प्रकाश जी को यहाँ से बहुत भारी मतों से विजयी बनाए। आपका सुनाम अरविंद कुमार जी, मैं दिलानगर का रहने वाला हूँ अच्छा, इस प्रॉपर इस बाजार का अच्छा, और मैं हाँ, और मेरे बच्चे जो हैं अभी आर्मी में 18 में वो निकला था जी, और भर्ती हुआ जी, और उसके बाद आज तक ना कोई वैकेंसी है, ना बेरोजगारी, बेरोजगारी तो इतना चरम सीमा पर बढ़ गई है कि डूबी के लड़के जो 19-18 में फार्म भरे थे आज तक उसकी परीक्षाएं नहीं हो पाई, और यही अखिलेश सरकार थी जो कि साल भर में ही एक वैकेंसी आती थी, और इस सरकार में कोई वैकेंसी नहीं है, बेरोजगार सबसे ज्यादा परेशान है, इसलिए किसको वोट देंगे आप लोग? मैं सपा का प्योर वोट दूंगा। मेरा नाम अशोक साधु है, जगदानपुर में रहने वाला हूँ, सिलेंडर था 435 रुपया, उसके बाद 1000 हो गया, 1000 के बाद क्या नाम है कि अगर ये सरकार आती है पुराना तो हो सकता है 2000 हो जाए, रेल का और लॉकडाउन का भी प्रॉब्लम है, और मुलायम सिंह में ये कुल नहीं था, हम सोच रहे कि मुलायम सिंह आए। अखिलेश यादव, मेरा नाम अकबर खान होगा, घर कहाँ रहेगा? कुशिया मेरा मकान है जी। बेसिकली इस बार का जो चुनाव है हाँ। वो प्रदेश में माहौल ये है जी। कि एंटी हुकूमत जी, सरकार ने जी। नौजवानों को, शिक्षा हाँ। पढ़ने वाले बच्चों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको परेशान किया हुआ है जी। और एंटी हुकूमत यहाँ का माहौल बना हुआ है जी। रहा सवाल प्रत्याशी का, वर्तमान में हमारे यहाँ भाजपा की विधायिका जी हैं हाँ। उन्होंने बहुत कुछ किया नहीं है, मान लीजिए कुछ भी नहीं किया है, बहुत पीड़ा झेला है हमारे विधानसभा के लोगों ने, तो हालात ये है। अब रहा सवाल कि आपने क्या सवाल किया था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, माहौल आपने सुन लिया कि एंटी हुकूमत, एंटी हुकूमत, और जाना भी चाहिए क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए, पढ़ने वालों बच्चों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये जरूरी चीजें हैं। तो इसी मुद्दा पे जमानिया विधानसभा का भी चुनाव कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पे जा रहा है, एंटी हुकूमत ही होगा, और हम लोग ये भी चाहते हैं कि एंटी हुकूमत वोटिंग हो, कोई बेहतर एक अपना नेता प्रतिनिधित्व करे। तालुक रखता हूँ यहाँ पे, अभी तक सपा से हमारे यहाँ 25 से 30 साल ओम प्रकाश विधायक रहे, लेकिन पूरा क्षेत्र का सत्यानाश किए अभी 5 साल से। मैं जानना चाहता हूँ आपने हाँ, सही कहा आपने हाँ, कि अभी जो आपके गांव के एक प्रत्याशी बसपा के हैं हाँ, वो चुनाव जीत जाते हैं हाँ, समर्थन भाजपा को करेंगे, हुकूमत बनाएंगे?
नहीं हाँ। हम भाजपा को समर्थन नहीं करेंगे, नहीं भाजपा समर्थन करेंगे नहीं, आपसे मेरी गुजारिश नहीं, अभी तो ये तय ही नहीं हुआ है। अच्छा। अभी तो तय नहीं हुआ, जब जब हमारी पार्टी जब अपना सीट जीत के हिसाब से आएगा हम सोचेंगे और हम सोचेंगे उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे। जीत के एमएलए बने की मिनिस्टर बनेंगे? नहीं, एमएलए बनने के बाद वो तो हमारी बहन मायावती जी तय करेंगे कि क्या बनना है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा, एक मिनट देखिए। हालात ये है कि आपने सुना होगा 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जी। आपने सुना था और बहुत अच्छे आदमी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह हुआ था कि 50 सीटें 300 करोड़ में बहन जी ने बेच दिया भाजपा के हाथों। तो अब बताइए कि आप मिनिस्टर कहां से बनाएंगे? सही बात है ना, आप कहां से मिनिस्टर बनाएंगे? आप तो हुकूमत बनाने के चक्कर में नहीं है, चक्कर में नहीं आप है। तो पहले से अनाउंस कर रहे हैं कि हम सरकार भाजपा को सपा को हराने के लिए भाजपा को समर्थन करेंगे। मायावती जी ने कहा है ना, कई सारे स्टेटमेंट है और मीडिया के थ्रू ही स्टेटमेंट है, मेरा पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। सही बात है। तो अब मिनिस्टर की तो बात ही खत्म करिए, रहा सवाल विधायक के, तो विधायक आप या हम यही सोचेंगे कि हमारा विधायक वही हो जी जो हम वोट करें, हमारे विधायक को जाए डायरेक्ट जी, या तो आप भाजपा को कर दीजिए। कर दीजिए। अगर आपको सरकार के साथ जाना है, मंत्री बनवाना है, तो आप भाजपा को कर दीजिए। कर दीजिए। और नहीं तो फिर समाजवादी को कर दीजिए, क्योंकि मंत्री बनना है जी। बीएसपी का कहीं से हुकूमत बनाने का मतलब नहीं बन रहा, क्योंकि उनकी अध्यक्षता ने ऑलरेडी कहा है, सभी जानते हैं जितने हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, कि हमें सीट बेचना है। मैं सपा को हराने के लिए मैं भाजपा को समर्थन कर दूंगी, तो ये बहुत सच्चाई है। धन्यवाद आप सबको। ठीक है।